Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna go, go, go to the deepest end. So hello and welcome a new video guys. आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी पीडीएफ से उसमें से डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और बेसिस ऑन दैट डेटा हम लोग अपने एआई को ट्रेन करेंगे और उस डेटा पर क्वेश्चन पूछ के देखेंगे। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो आपको एज ब्राउजर खोल लेना। और मैं ये पीडीएफ यूज़ करने वाला हूँ फॉर पर्पज़ के लिए इस बार का भी जो मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। तो उसमें आप देख सकते हो इसमें कितने सारे इमेजेस भी हैं, कुछ इसमें टेक्स्चुअल डेटा है और भी बहुत सारा कुछ है इसमें। देख सकते हो ये टोटल 4 पेज की फाइल है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हम लोग मॉडल को ट्रेन होने में, नहीं तो थोड़ा मॉडल ज़्यादा टाइम लेता है ट्रेन होने में। तो उसके बाद आपको बेसिकली क्या करना है, आपको एक गूगल कोलैब का मैं लिंक दे दूंगा इसका। बेसिकली आपको इसी में फीड करना है डेटा को और इसी पे आप रन कर सकते हो। आपका अगर लोकल सिस्टम बहुत अच्छा है तब आप रन कर सकते हो, वरना आपको इसी पे रन करना पड़ेगा। और बाद में आपका जो मॉडल निकलता है उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो अपने लोकल मशीन में, लेकिन बाय डिफॉल्ट फर्स्ट टाइम रन करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो चलो पहले मैं आपको एक एक करके रन करके बता देता हूँ सब कुछ। एक्चुअली पाई पीडीएफ हम लोग का काम आएगा पीडीएफ रीड करने में, और python.env जो है वो हम लोग का काम आएगा इसमें हम लोग की हगिंग फेस को रीड करने में, हगिंग फेस की जो हम लोग की API टोकन है वो। और उसके बाद यहाँ पे भी इसको भी मैं रन कर देता हूँ। तो अब आता है बेसिक ये बात कि हम लोग का डॉक्यूमेंट्स। तो मैंने डॉक्यूमेंट्स रीड करने के लिए एक्चुअली एक सिंपल डायरेक्टरी रीडर नाम की एक क्लास है उसको इंपोर्ट किया है। तो बेसिकली ये क्या करेगा, हम लोग के कंटेंट में जितना भी डॉक्यूमेंट फाइल इसको लगेगा वो बेसिकली उसमें इंपोर्ट कर लेगा। तो अभी मैं इसमें आप देख सकते हो हम लोग का कंटेंट यही है, कंटेंट में हम लोग का सिर्फ सैंपल डेटा है, सैंपल डेटा के अलावा कुछ नहीं है। तो इसमें मैं एक काम करता हूँ, अपनी ये जो इंट्रोड्यूसिंग टाटा मोटर्स वाली फाइल है इसमें मैं इंपोर्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है मस्त एकदम। अब मैं इसमें लोड कर देता हूँ तो ये लोड भी हो जाएगा। और अब यहाँ पे बेसिकली हम लोग का स्टार्ट हो गया है कि हम लोग का सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या रहेगा, किस टाइप से वो रिप्लाई करेगा, कैसे रिप्लाई करेगा। तो इसको भी मैं रन कर देता हूँ और हम लोग का बेसिकली यही होने वाला है, हम लोग का जो तरीका है उसको कहने का वो यही होने वाला है। और उसके बाद ये एक और चीज़ आती है हगिंग फेस क्लाइंट लॉगिन। तो बेसिकली इसके लिए आपको क्या करना है, आपको हगिंग फेस पे जाना है, आपकी एक API टोकन होनी चाहिए, आप यहाँ पे क्लिक करके और उसके बाद यहाँ एक्सेस टोकन में आके आप यहाँ पे अपना टोकन बना सकते हो। अगर आपके पास नहीं है या आपने नया अकाउंट बनाया है तो आपको न्यू टोकन पे क्लिक करना है और रीड वैल्यू में आप जनरेटर टोकन पे क्लिक करोगे तो आपकी टोकन जनरेट हो जाएगी। तो बेसिकली मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ पे हगिंग फेस क्लाइंट लॉगिन पे को रन करूँगा। तो बेसिकली ये हम लोग का लॉगिन करेगा और ज़्यादा कुछ नहीं। तो आप देख सकते हो इसने एक्चुअली मेरा ऑलरेडी इसमें सेव्ड है बाय डिफॉल्ट 2 कीज़ में, इसलिए इसने ऑलरेडी ले लिया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मैं आपको हटा के दिखा देता हूँ। आपको बेसिकली यहाँ पे अपना टोकन पेस्ट करना है और उसके बाद एंटर प्रेस कर देना है। और अब देख सकते हो अब इसने मुझे बोला है ऐड टोकन एज अ गेट क्रेडेंशियल, तो आपको येस पे क्लिक कर देना है, कैपिटल वाई का आपको लिखना है और वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और अगर आपका ब्राउज़र मेरी तरह हुआ तो थोड़ा आपको इरिटेटिंग लग सकता है। तो ये जो भी एरर आए इसको जस्ट ऐसे ही इग्नोर करना, जैसे आप क्या इग्नोर कर सकते हो, मतलब इग्नोर ही करना बस, कोई काम नहीं है इसका। उसके बाद हम लोग रन करते हैं इसको। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, हम लोग का मेटा का जो मॉडल है ललामा 2 7 बिलियन चैट पैरामीटर उसको इम्पोर्ट कर रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली है क्या। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये है मेटा ललामा 2 7 बिलियन चैट मॉडल। तो इसको अगर आपको मॉडल को चाहिए तो आपको पहले तो इस वेबसाइट का भी लिंक मैं दे दूंगा, इस वेबसाइट पर आना, यहाँ पे पहले आपको इस मॉडल का एक्सेस लेना पड़ेगा तभी जाके आप यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप कोई और मॉडल यूज़ कर सकते हो। मैं किसी और मॉडल पे भी दिखा दूंगा, लेकिन ललामा 2 सबसे ज़्यादा अच्छा मॉडल, सबसे ज़्यादा कैपेबल मॉडल हो, इसलिए मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली। तो आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, तो आपको पहले एक्सेस लेना पड़ेगा तभी जाके आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली उसके बाद देखोगे कि ये हम लोग का बेसिकली लोड करेगा ललामा 2 मॉडल को। तो ये है अभी 10-15 मिनट का प्रोसेस कि आपका जितना आपका है बेस्ड ऑन योर इंटरनेट स्पीड आपका डाउनलोड जाएगा यहाँ पे फाइल। तो पहले मैं डाउनलोड हो जाने देता हूँ, फिर मिलते हैं हम लोग। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग का मॉडल यहाँ पे एक लोड हो चुका है। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप ये वाला जो लाइन आप लिख रहे हो, अगर आपका ललामा इंडेक्स का कोई पहला वर्जन है तो आपको यहाँ पे एम्बेडिंग्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ललामा इंडेक्स से इंपोर्ट कर सकते हो लैंगचेन एम्बेडिंग को। लेकिन क्योंकि हम लोग लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो आपको डॉट एम्बेडिंग्स पर जाके आपको ये करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग बेसिकली एक और हम लोग मॉडल यूज़ करने वाले हैं सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर का, वो बेसिकली हम लोग को पीडीएफ रीड करने में हेल्प करेगा और कुछ नहीं ज़्यादा। मैंने एक्चुअली ये फाइल ऑलरेडी रन की हुई है एक और बार पहले ही, तो मेरा मेन मॉडल जितने भी हैं वो इंपोर्टेड है बाय डिफॉल्ट इसमें, इसलिए आपको शो नहीं कर रहा आपका। अब जब आप फर्स्ट टाइम रन करोगे तो आपको थोड़ा टाइम देगा ये, ठीक है, तो आप टेंशन मत लेना। तो एक्चुअली अब हम लोग वेक्टर इंडेक्स करेंगे। जनरली आपको वेक्टर इंडेक्स करने के लिए तो आप OpenAI का यूज़ कर सकते हो या फिर किसी भी आप पेड सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हो, पर हम लोग बेसिकली हगिंग फेस से बिल्कुल ही फ्री सॉफ्टवेयर उठा रहे हैं बिना किसी टेंशन के।
तो इसलिए मतलब ये बिल्कुल फ्री है। और थोड़ा सा हो सकता है आपका वेक्टर इंडेक्स थोड़ा कमज़ोर पड़ जाए किसी किसी सिचुएशन में, पर जनरली आपको कोई इशू नहीं होगा। तो मैं इसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इन विच ईयर वॉज टाटा मोटर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया? तो अगर मैं आपको इसमें दिखाऊँ तो हम लोग का इनकॉर्पोरेटेड जो था टाटा मोटर, हम लोग के रतन टाटा जी का, वो 1945 में हुआ था। तो इसको भी आंसर उसी हिसाब से करना चाहिए। तो अभी मैं इसको रन कर देता हूँ। तो बेसिकली आप देख सकते हो कुछ तो बहुत लंबा चौड़ा इसने अप्लाई किया है। अब इसको बेसिकली हम लोग उसमें से रिस्पांस प्रिंट आउट करवा लेते हैं। तो आप देख सकते हो इसका रिस्पांस है टाटा मोटर्स वर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया इन 1945। तो मतलब कह लो एकदम सही चल रहा है। तो इसको फिलहाल मैं कमेंट आउट कर देता हूँ क्योंकि कुछ काम तो आ नहीं रहा। और एक और क्वेश्चन इसे पूछ के देखते हैं। हाँ, जैसे इससे पूछते हैं हम लोग कि इन विच ईयर हु फाउंडेड टाटा मोटर्स। तो आप देख सकते हो कितना सही रिप्लाई किया है इसने। मतलब क्या ही बोलो, अब इससे अच्छा आप क्या ही ट्रेन कर सकते हो। अगर आप चैट जीपीटी यूज़ करोगे तो एम्बेडिंग का आपसे चार्ज लेगा, और ये अनलिमिटेड, आप जितना चाहो उतना कर सकते हो। क्योंकि हमने हगिंग फेस से बिना किसी एपीआई के, एपीआई एक्चुअली हमने जो यूज़ की है वो बेसिकली बस हगिंग टोकन से हगिंग फेस से कनेक्ट करने के लिए, वो बिल्कुल फ्री, उसका कोई पैसा नहीं लग रहा आपका। मतलब ये कम्प्लीटली फ्री है और हमेशा के लिए फ्री है, ये भी आप देख सकते हो। कभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मतलब आपको समझ आ ही गया कि कितना ज़्यादा एडवांस हो रहा है हम लोग का AI। तो अब बेसिकली अगली वीडियो जो लाऊंगा वो थोड़ा और इससे ज़्यादा एडवांस लाऊंगा कि कैसे आप और भी बहुत कुछ इससे कर सकते हो, और कैसे इसको अपने जार्विस में इंटीग्रेट करेंगे वगैरह वगैरह, बहुत कुछ नया आने वाला है। तो मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और सोर्स कोड आपको नीचे मिल जाएगा, तो वो एक मोनेटाइज लिंक रहेगा, तो आप प्लीज़ हम लोग को सपोर्ट करो। और अगर आपको किसी कारण से मोनेटाइज लिंक खोलने नहीं आती तो जस्ट ऊपर में यहाँ पे, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का आ रहा होगा, वो देख लो और आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। तो चलो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।